कैंप है, ठीक है सर, और मुरादाबाद में ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल की सभी विधानसभाओं के सभी नेता कार्यकर्ता वहाँ शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या हो और पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे, उसके लिए बहुत सारे नेता कार्यकर्ता आपस में चर्चा कर करके एक रास्ता निकालने के लिए बैठे हैं। और इसलिए जरूरी है ये ट्रेनिंग कैंप। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके झूठ के सहारे, प्रोपोगेंडा के सहारे और लगातार मीडिया पे भी हमला हो रहा है और लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं उनको सबको खत्म कर रही है। आप अकेले लड़ेंगे चुनाव नहीं है, लोकतंत्र लोकतंत्र खत्म हो जाए, समाजवाद खत्म हो जाए, सेक्युलरिज्म खत्म हो जाए, तो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी है कि जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रह रहे हैं, यही हमारे देश की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जनता का साथ लेकर के नौजवानों का सहयोग लेकर के सरकार को हटाएंगे। ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ सर, उसको क्या मानते हैं? मुझे उम्मीद है बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को चुन करके भेजेंगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी इस तरह की घटनाएं हो जाएं, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि उनकी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ममता बनर्जी है। सर हमला हुआ है कि नहीं हुआ? सर हमला हुआ है कि नहीं हुआ? ये जांच विषय, ये जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी हमला किया है या जिनके भी इशारे पे या घटना हुई है उसकी पूरा की पूरा खुलासा होना। अगला चुनाव छोटे दलों से गठबंधन होगा।